बात हो रही है, राहत अंदोली मरने से पहले तक या इस वक्त तक भी बड़े जगीर पाक हिंद के सबसे बड़े उर्दू के शायर, वो भी रिवोल्यूशनरी है, हम भी थोड़े बहुत इंकलाबी हैं। रासब कहते उठा शमशीर दिखा हुनर क्या लेगा, उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा, ये रही जान ये गर्दन है ये सर क्या लेगा, उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा, ये रही जान ये गर्दन है ये सर क्या लेगा, और मेरी एक तहरीर तेरे परखचे उड़ा सकती है, मेरी एक तहरीर तेरे परखचे उड़ा सकती है, तू समझा था सहाफी है क्या कर लेगा, सरमायादार समझता है मुझे, मेरी एक तहरीर तेरे परखचे उड़ा सकती है, तू समझा था सहाफी है क्या कर लेगा। मैडम ने जो पढ़ा उनके बाद तो मुझमें कोई हिम्मत नहीं कि मैं पढ़ूं, पर चलो जिस तरह एहसन भाई ने कहा कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल लेता है, दुनिया में कोई बात नहीं बात नहीं, तो एक जो पढ़ी गई गजल उसको दोबारा पढ़ते हैं। ते बुलाती है बार बार बुलाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये पीटी आई है इधर जाने का था। बुलाती है अगर जानेगा नहीं, ये सियासत है इधर जाने का नहीं, है दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन हमें डराने वालों, हमारी तहरीरों पर पाबंदी लगाने वालों, हमारे ट्विटर अकाउंट बंद करने वालों, हमारे फेसबुक अकाउंट बंद करने वालों, नए नए कानून बनाने वालों, है दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन वतन छोड़कर जाने का नहीं, और सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा मैं खाली हाथ जाने का नहीं, और मेरे बिंदु मेरे दोस्त मेरे यार इश्क कर सारा, मेरे बिंदु मेरे दोस्त मेरे यार इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, और उस सरमायादार को, उस सरमायादार को कि वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है भाई, वो गर्दन नापता है मगर जालिम से डर जाने का नहीं, वो गर्दन नापता है, वो लोकेशन निकालता है, वो बहुत हंसी है, वो गर्दन नापता है मगर जालिम से मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो, मेरे ही मैं मजदूर हूँ मैं मेहनत करता हूँ तो मैं पैसा बना के देता हूँ, तो मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो और मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो, मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो और मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो, दिन एक सितम रात करो हो, एक सितम रात करो हो, तुम वो दोस्त हो दुश्मन को भी मात करो, तुम वो दोस्त हो दुश्मन को भी मात करो हो, और यू तो हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं, यू तो हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, और जब वक्त पड़े है तो मदारात करो, वक्त पड़े है तो मदारात करो,
हम खाक नशी तुम सुख नाराय सरे वाम हम खाक नशी जमीन पे बैठे हुए तुम कभी फोन पे किधर कभी दूर कभी ऊपर से तकमपुर के लहजे में हम खाक नशी तुम सुख नाराय सरे वाम अरे पास आकर मिलो तू से क्या बात करो दामन पे कोई दाग तुम कतल करो हो के करम आप करो कहने को भी ऐसा नहीं हो जो बोले हैं पके हैं दीवाना है दीवाने से क्या बात कर दीवाना है दीवाने से क्या बात कर पढ़ते रहे ताकतों को ललकारते रहे कहते अगर खिलाफ है हो जाने दो जान थोड़ी है जाने दो अगर खिलाफ है हो जाने दो जान थोड़ी है ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है अगर खिलाफ है हो जाने दो जान थोड़ी है ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है और लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं से नहीं लगेगी आग सिर्फ हमारे घर नहीं लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं है जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है लेकिन हमारी करे तेरी जान गुजारिश है कि मैं जब मर जाऊं तो मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना मेरे लहू से मेरी पेशानी के पाकिस्तान तो हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है हमारा अपना नजरिया है नहीं बदलते सोचेंगे जो चाहेंगे लिखेंगे जो चाहेंगे बोलेंगे जो चाहेंगे करो ब्लॉग ब्लॉग भी कर अकाउंट हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है जो आज साहिबे कसनत हैं जो आज सीएम हैं पीएम हैं हमारे जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे किराएदार हैं जाती मकान बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए आई एम रियली हैप्पी सच अ चार्ज क्राउड और मेहनत करें और जो दिन आता है बोले दरे में अल्लाह ताला आप सबको थैंक यू